नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 64 में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद चौधरी जी, मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों पे। विनोद जी, आपका स्वागत है सर। आपका सर जो राजनीतिक जो संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी में, कब से और कैसे आपके मन में जुड़ा आया, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। नहीं गुप्ता जी, असल में हमारा तो पारिवारिक मसला ये राजनीतिक रहा है और बचपन से ही सोच रहे हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं कभी। बचपन से ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहज विचारधारा वाली पार्टी है और हिंदुस्तान को समझता, अगर कोई पार्टी समझ सकती है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है तो हिंदुस्तान का भला सोच सकती है। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल खाती है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ये रहे, मेरा हिंदुत्व कोई मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सहलबा वाली पार्टी है। और इसमें सबसे मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी पार्टी को ले लो, कांग्रेस है, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, आप समझ रहे, कांग्रेस पारिवारिक पार्टी है, उसका अध्यक्ष जो बनेगा परिवार से बनेगा। अब समाजवादी पार्टी है, या तो मुलायम सिंह है उसका लड़का रहेगा, उसका बेटा बहू कोई बनेगा, बसपा है वो भी ऐसी, अन्य पार्टी कोई भी पार्टी लो, अन्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। आज विनोद चौधरी की अगर पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पहचान है। बहुत सारे चौधरी हैं, बहुत सारे हिस्सों से हैं। अच्छा, आपके साथ प्रोफाइल पे लेके बात कर लेते हैं। आपके प्रोफाइल कहाँ से आप रहने वाले हैं, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की और क्या आप करते हैं? मैंने यूपी में मेरठ के पास मेरा छोटा सा गाँव है नंगली सदारण, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, दरेगंज में है एशियन इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉब की क्राउन के अंदर, उसके बाद जॉब के बाद मेरा यहाँ पर रेडीमेड शॉप थी शेरपुर चौक पे, उसके बाद में यहाँ पर स्कूल हमने बना रखा है और प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है। ओके, फाइनेंस का और प्रॉपर्टी का, ये मेरा काम है। अच्छा, आप सर जन सेवक हैं, आप क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं? आपके यहाँ पे आसपास की कुछ कॉलोनियाँ हैं, CRPF कैंप भी लगते हैं, किसी का कोई भी काम होता है आधी रात को लोग जगा लेते हैं, मान लिया किसी का थाने का काम है, आपस में लड़ लिए, हमारे पास आ गए प्रधान चलना। और मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ का प्रधान भी हूँ, मार्केट का प्रधान हूँ पिछले 12-13 साल से, तो उस नाते भी। और उसके अलावा कोई जन काम होता है, हमारी सड़क बनाने का काम है, नाली का, खड़मजे का, कोई भी काम एक माध्यम होता है। विधायक पहले शारद सिंह चौहान जी विधायक थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, BJP के होने के नाते भी अच्छी मित्रता थी। हमने एक एक काम सोने विहार के अंदर एक भी ईट अगर कहीं पर लगी हुई है तो उस पर शारद सिंह चौहान के साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है। पूरी सोने विहार की बता रहा हूँ, पहले सोने विहार अलग वार्ड था हमारा, सोने विहार यमुना विहार विधानसभा में था, तो उस समय से मैं जिनसे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में पहचान है, लोग इसलिए प्यार करते हैं, लोगों काम आओगे तो लोग प्यार करेंगे सर। अच्छा, ये जान लेते हैं कोरोना काल में कोई आपकी सेवा रही सर? जी हाँ सर, लगातार हम एक्टिव रहे कोरोना काल में, जो भी सरकार से जो हमारे केंद्र सरकार ने जो भी यहाँ पर हेल्प भेजी उसकी हेल्प के लिए बराबर रहे। इसके बाद बताओ लोगों से पूछ लो, मैं क्या बताऊँ जिले को। अच्छा, यहाँ के निगम पार्षद कौन है विनोद जी? क्षेत्र की निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की शाइस्ता जी हैं। उसको मैंने सुना कि आज उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है, तो शायद अभी कोई नहीं है, लेकिन 4.5 साल के अंदर उनकी निष्क्रियता रही है। ओके, पूरे 4.5 साल में एक व्यक्ति भी सही बता दे, मैंने कई बार वीडियो भी डाली है। साफ सफाई से दुरुस्ती क्षेत्र कुछ आप देख रहे हैं, कोई आते कोई सामने गंदगी हो रही है, मतलब ही नहीं होता उनका, क्या वो कभी आई क्षेत्र के अंदर आई नहीं। एक व्यक्ति ये कह दे कि 4.5 साल के अंदर साहिता को हमने देखा है, और मैंने नहीं सुना, मैं तो कभी उनके ऑफिस पर नहीं गया बेचारों के, लेकिन मैंने ये सुना कि कभी ऑफिस से नीचे उतर के नहीं आती। और क्या क्या समस्या था आपके क्षेत्र की? सारी समस्याएं आए हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे हो, अभी इसी रोड से आप जाओगे आपको रोड टूटा दिखाई देगा, काफ़ी खराब बिल्कुल, नाली देखोगे तो नाली भरी पड़ी है, गंदगी बैठा पड़ा है। मैंने 4.5 साल के अंदर इस निगम पार्षद ने एक भी ऐसा काम नहीं किया सफाई के को लेकर के, जो कि पार्षद का काम होता है। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई धर्मशाला नहीं बनाई, कोई बारात घर नहीं बनाया, एक भी, मैं कहता हूँ एक भी पार्षद अब एक काम गिनवा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। सर, आपका कैसा प्रयास रहता है लोगों के बीच में? मेरा तो प्रयास लोगों के बीच में लोगों के काम के लिए रहता है, लोग जिस काम के लिए आ जाते हैं मेरे पास, जो मुझसे हो सकता है मैं वो कर देता हूँ। उसमें मेरा कोई ये तय नहीं, भाई मुझे मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, रात को लोग जगह रहते हैं, चलो भैया आप चल देते हैं, किसी का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पेंशन का है, विधवा पेंशन का है, वृद्धा पेंशन का है, जो भी लोग बीच में आता है तो लोग उसकी प्यार करते हैं। अच्छा विनोद जी, जैसे आप समाज की सेवा कर रहे हो, आपको समाज का प्यार मिल रहा है, अगर आपको पार्टी मौका देती है इस वार्ड 64 से MCD चुनाव की, तो क्या आप इस चुनाव में भागीदारी लेंगे? देखिए, अगर पार्टी मौका देती है, मैं पार्टी का विरोध नहीं करूँगा, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मुझे लगता है कि लोग मेरे पास अभी भी आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कई बार लोग आ कह रहे हैं पता नहीं आप चुनाव लड़ो आप चुनाव लड़ो, मैंने कहा भैया एक हमारी पार्टी के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, जिसको पार्टी चाहेगी उसको चुनाव लड़ेगी, अगर मुझे मिलता तो मुझे लगता है कि शायद
मैं अच्छी चीज अच्छी वोटर जीत जाऊँगा। अच्छा, जो लोगों को प्यार है। अच्छा, राजनीति में आपके आदर्श कौन है सर? मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब आज के समय को लेकर बात करें सर? आज के समय में मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी। मोदी जी हैं। मोदी जी आइडल हैं। क्यों आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी सर? मोदी जी स्पष्ट बोलते हैं, सच बोलते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उनसे जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए, राम मंदिर का मुद्दा ले लो जो कि 500 साल पुराना था, मिनटों में डाल दिया। अमित शाह जी हैं उनके साथ में, मैं अमित शाह को बहुत लाइक करता हूँ। पहला ऐसा बीजेपी का अध्यक्ष देखा मैंने जो 24 घंटे नहीं सोता, चाणक्य राजनीति। और उन्होंने उनकी एक सबसे बड़ी बात ये रही अमित जी की कि उन्होंने एक चुनाव में जीतने के बाद कभी बैठते नहीं घर पे, बैठते नहीं, अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते। अभी जैसे मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर जैसे सरकार ने जो किया है 100 करोड़ लोगों जैसे मुफ्त वैक्सीनेशन दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, बहुत बड़ा काम किया आपसे। सबसे आप देखो गुप्ता जी कितना बड़ा काम किया, मुफ्त वैक्सीन बहुत कम समय में, और जो लोग विरोध कर रहे थे वो जाकर चुपचाप करवा रहे। बिल्कुल, दिल्ली सरकार का इसमें कोई योगदान ही नहीं रहा, और अपने अपने बोर्ड लगा दी। दिल्ली सरकार का योगदान है तो बोर्ड के अंदर है। या अपने बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए भी बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, वो बिल्कुल तैयारी चल रही है। मैं तो अखबार में उसमें देख रहा हूँ, तो मेरा बोर्ड डायरेक्ट होता नहीं है, लेकिन अखबार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो पता चलता है हमें उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी चल रही है। अच्छा विनोद जी, अब जैसे इस समय त्योहारों का टाइम भी है, दिवाली भी आ रही, भैया दूज भी आ रही, छठ भी आ रही है, तो एक छोटा सा एक संदेश देना चाहेंगे विनोद जी आप? मैं संदेश देना चाहूँगा यहाँ की जनता को, क्षेत्र की जनता को, पूरी करामा विधानसभा को कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। छठ पूजा हो तो छठ पूजा के लिए जो व्यवस्था दी गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए छठ पूजा करें, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपनी दिवाली मनाए, उसी का ध्यान रखते हुए अभी भैया दूज मनाए, पूरा त्यौहार कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मने, लोग ज़्यादा भीड़भाड़ ना करें, क्षेत्र के अंदर ज़्यादा व्यवस्था ना फैलाएं। और प्लस मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मेरी खुद की इच्छा है कि अब इस बार दिवाली पे पटाखे ना छोड़कर दिए जलाएं। हम दिए जला के अगर मनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र में शांति बनी रहेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में, गंदगी वंदगी देखी जा रही क्षेत्र में? गलियां खराब रहती है, कोई कभी भी टूटती रहती है, नालियां सफाई नहीं होती ठीक से। तो क्या चाहते हो आप, आने वाले चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट करोगे? हमारे ओरिजिन बड़े ये विनोद चौधरी जो हैं, ये सभी की मदद करते हैं। यहाँ बंद नहीं होता, ये यहाँ डाला जाता सारा, ये जितना ये अंदर डालते हैं यहाँ से, इसका फोटो हम लें और भेजें यहाँ। ठीक है, सुबह से तबीयत खराब हो रही है सर, चलो हमारे चौधरी साहब हैं विनोद जी, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कोई बात होती है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम बीजेपी के हैं और हमारे प्रधान जी हैं मार्केट के, विनोद चौधरी जी, ये बीजेपी के कट्टर हम लोग भारत के आदमी हैं। तो सर इस बार चुनाव में खड़ा कर रहे हो विनोद जी को? हम विनोद जी का समर्थन हमेशा करेंगे और फिर विनोद जी को आराम से खड़ा चाहते हैं। मुझे ऐसा क्षेत्र के लिए ऐसा कोई कार्यकर्ता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ हमारे साथ खड़ा रहे हमेशा। आते हैं काम हो रहे हैं क्षेत्र में? नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं बस, ऐसा हल्का हल्का टोला कर। तो क्षेत्र में इतनी गंदगी देखी जा रही है? देखी जा रही है, गंदगी बाहर दिखाई दे रहा है, जैसे सफाई वफाई नहीं होती यहाँ पे, पार्षद नहीं आते? नहीं आते, आते हैं कभी कभार, कभी कभार आते हैं। क्षेत्र में गंदगी जो देखी जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अब सब रहने वाले गंदगी में बीमारी फैल रहा है, इतना बीमारी फैल रहा है तो काहे की बीमारी फैल रहा है? बिल्कुल, कभी डेंगू हो रहा है, कभी किसी के कुछ हो रहा है, कभी बीमारी का ज्यादा सफाई एक वजह से मच्छर पैदा हो रहा है। कर्मचारी आते हैं वही महीना खर कभी आके कभी नहीं आते हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं 4.5 साल हो चुके हैं, साफ सफाई दुरुस्त क्षेत्र में नहीं है सर, इसका कारण क्या है? आम पार्टी की है जी, वो जो निगम पार्षद है शाइस्ता है, उन्होंने यहाँ कभी जब से चुनाव जीती आई भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है उनको। क्षेत्र में इतनी गंदगी है जी, सफाई बिल्कुल नहीं होती, आते हैं कभी कभार आते हैं तो ऊपर ऊपर सफाई करते हैं, और यहाँ डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, हर घर घर से डेंगू ग्रस्त हैं। तो यहाँ के सारे विनोद चौधरी भी हैं, कोई भाजपा से जुड़े हुए? हाँ जी, हाँ जी, वो समाज के लिए वो खड़े रहते हैं, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब भी उन्हें कहीं जरूरत पड़ती है लोग फोन करते हैं, उनको भी फोन करते हैं, हम भी सामाजिक आदमी हैं। अच्छा। हमको भी फोन करते हैं। विनोद चौधरी जी ने अभी लाइन का एक प्रोसीजर था, उसमें पानी के उसमें उनको नाली में वो डाल रहे थे लोग। अच्छा। जो गंदगी जो पहले जो डेंगू से ग्रस्त है क्षेत्र, उस पानी को पीने के पानी को उसमें डाल रहे थे, तो हमारे विनोद चौधरी जी भी गए, हम भी गए, और विधायक जी को बुलाया गया, विधायक जी ने उसको निकलवाया, हम लोगों ने कहा भाई यहाँ पर नहीं डाला जाएगा, तो विधायक जी ने कहा कि भाई ये सीआरपी के साथ साथ उन्होंने कहा डलवाया, और हमने भी उसका पूरा वो किया। अच्छा, जैसे तो चुनाव आ रहे हैं एमसीडी को लेके, हाँ, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, जो हमारे बीच में कोई भी आदमी काम करने वाला आएगा, जिसको पब्लिक चाहेगी भाई हाँ ये काम कराना करा सकता है या कराएगा, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ
जो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत पदाधिकारी रहे हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, आज भी उसके मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान हैं विनोद चौधरी जी, बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और मुझे तो, मैं तो ये कहूँगा कि अगर उनको टिकट दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वे सोशल वर्कर हैं और पब्लिक की सुनते हैं। तो क्या बदलाव होगा क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव क्यों नहीं होगा भाई, जब यहाँ का जनप्रतिनिधि काम यहाँ पर रहेगा, काम करेगा, तो बिल्कुल उसकी सुनी जाएगी। जब यहाँ की जनता है, सफाई का, पानी का, बिजली का, जो भी समस्या होगी उसको सुलझाने में पूरा वो होगा, प्रयास करेंगे।